हेलो गाइज, नमस्ते। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी करेले की टेस्टी सब्ज़ी। जो मेरी इस ट्रिक से बनाओगे ना तो बिल्कुल कड़वी नहीं रहेगी और बच्चे भी आसानी से खाएंगे। नहीं तो बच्चे खाने में आनाकानी करते हैं, पर मेरी तरह बनाओगे ना तो बच्चे बिल्कुल चाव करके खाएंगे, बिल्कुल कड़वी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम करेला लिया है, तो इनको मैंने धो के पोंछ के रखा है। अब इनको कट कर लेंगे गोल गोल पीस में, छोटे छोटे बारीक बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, आगे पीछे के दो हमने हटा दिए हैं। तो मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे भी करेला हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, सबको खाना ज़रूरी होता है पर बच्चे नहीं खाते। और ये मेरे करेले कट कर लिए मैंने। अभी यहाँ इसमें मैं हल्दी नमक डाल रही हूँ और हल्दी नमक डाल के इसको मिक्स करके थोड़ी देर आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे, ढक के रख देंगे, तो इनका पानी सारा निकल जाएगा, जो कड़वापन है ना वो निकल जाएगा। देख सकते हो हमने आधा घंटे के लिए छोड़ा था, अभी इनका कितना पानी, जो कड़वापन था वो नमक के साथ इसने पानी छोड़ दिया, तो इसका कड़वापन भी करेले का बाहर निकल आया। अब इसको निचोड़ लेंगे, हम निचोड़ के अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और इनको धोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि इनका कड़वापन बिल्कुल हट गया है अभी पानी के साथ। हमने धोएंगे नहीं, बस इनको ऐसे ही छौंका लगा देंगे। और इनमें जो मोटे मोटे बीज है ना वो हटा देंगे हम, और छोटे बीज कच्चे बीज तो नहीं निकालते हैं हम, और निकालना भी नहीं चाहिए, पर ये जो मोटे मोटे बाहर आ रहे हैं ना पके हुए, ये निकाल देंगे। तो देख सकते हो कितना पानी निकला है इनसे, तो ये पानी को हम फेंक देंगे। तो ये हमारे करेले हमने निचोड़ लिए हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है, तो मस्टर्ड ऑयल से हम इसका छुक्का लगाएंगे। इसी मस्टर्ड ऑयल में टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी करेले की। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाला है और ये सूप डाल दिया है। वो तो सूप को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें इस सूप का टेस्ट बहुत ही आता है उभर करे, तो सूप ज़रूर डालिएगा। तो अब हमने ये करेले भी डाल दिए, इनको 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे रखा है मैंने, ज़्यादा फुल नहीं रखी है, तो इसको थोड़ा भून लेंगे, तो इनको इनमें क्रंच भी आ जाएगा और इनमें थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाएगा, जो भी कड़वापन बाकी रह गया है वो भी निकल जाएगा। देख सकते हो कि हमारे करेले थोड़े ब्राउन होने लगे हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इनको, थोड़ा थोड़ा। अब हमने ये प्याज का एक बड़ा प्याज काट के रखा था तो वो भी डाल दिया है, इसको भी थोड़ा पकाएंगे। और अब हम डालेंगे इसमें बेसिक मसाला जो दो रोज़ डालते हैं, हल्दी धनिया और मिर्च डालेंगे, और अमचूर पाउडर तो हम बाद में डालेंगे, और धनिया का टेस्ट इसमें और बढ़िया आता है, धनिया ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप सोचोगे कि करेले की सब्ज़ी में धनिया नहीं डालना, ज़रूर डालिएगा। और हल्दी नमक तो हमने पहले भी डाला था, सोच समझ के डालिएगा, क्योंकि पहले से भी डाला तो वो भी थोड़ा बहुत रह गया इनमें, तो थोड़ा ही डालना है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और अमचूर पाउडर भी डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर चला के ढक के पकाएंगे थोड़ा। तो देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है, और वैसे भी डायबिटीज़ वालों को ये टेस्ट सब्जी करेले की खानी चाहिए, इनका जूस पीना चाहिए, वो बहुत टेस्ट रहता है, टेस्टी भी बनती है। तो इसको थोड़ी देर ढक के पका लेंगे। तो देख सकते हो ये अच्छे से पक गई है हमारी सब्ज़ी।
पसंद रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़। और आप अपनी रेसिपी मुझे बताना कैसे बनाते हो, जो मेरे से मिस्टेक हो गई मुझे से बताना। तो हमने थोड़ा धनिया कट करके रखा था तो वो भी गार्निश कर दिया है। अब देख सकते हो सब्जी की कैसी टेस्टी दिख रही है, ज़रूर बना के ट्राई करिए।